आदाब नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद शौकीन और आप देख रहे हैं सहारनपुर न्यूज। पेश है आज दिन भर के समाचार। सहारनपुर के पुराना शहर स्थित मोहल्ला कुजात प्रथम में एक कई वर्षों पुराना जर्जर मकान की दीवार गिर जाने से एक बड़ा हादसा होने से टल गया। क्षेत्रवासी कलीम व जुनूर अहमद ने बताया कि इस मोहल्ले में जर्जर मकानों की कमी नहीं है, जो कभी भी भरभरा कर गिर सकते हैं, जिनके कारण कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है, मगर इस ओर कोई भी ध्यान देने वाला नहीं है। तो रात को 4 बजे दीवार गिर चुकी है, अगर दिन में कोई दुर्घटना हो जाती उसका जिम्मेदार कौन होता, क्योंकि इससे 2 साल पहले भी वो महल गिर गया था लावारी से। इसमें किराएदार पे किराएदार आते हैं, किराएदार भाग जाता है, सिख में किराएदार आ जाता है, दुनिया इसमें कब्जा करने के लिए तैयार है। यहाँ कल को तो बवाल होएगा, उसकी वजह से हम इसका विरोध करते हैं। अब आपकी क्या मांग? हमारी मांग ये है, एक तो इसे उतारवाया जाए और एक गली की सड़क की और यहाँ कूड़ी लगी हुई है इसकी गंदगी को सफाई कराया जाए, क्योंकि बीमारी का हाल बहुत बुरा चल रहा है। इस टाइम कोरोना फैल रहा है, कोरोना का कारण है बीमारी। अगर बीमारी साफ होगी तो ये सफाई भी साफ होगी यहाँ से, क्योंकि जैन निकम्बर स्कूल की बच्ची आती हैं यहाँ, सब 24 घंटे बाजार का रास्ता है। सहारनपुर के हकीकत नगर स्थित धरना स्थल पर एजुकेशन फ्रीडम फोर्स द्वारा भारतीय नागरिकों के लिए संपूर्ण सम्मान शिक्षा और पूर्ण निःशुल्क शिक्षा कानून की मांग व वर्तमान में जिन छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिली है उनकी छात्रवृत्ति दिलवाए जाने की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया गया है। इस दौरान धरने को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजीव दुर्जन ने कहा है कि जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी तब तक हमारा अनिश्चितकालीन धरना जारी रहेगा। जी, आज हम लोग सभी छात्र छात्राएं अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ चुके हैं। चूँकि छात्रों की समस्या सबसे बड़ी ये है कि इस वर्ष की जो छात्रवृत्ति है वो अभी तक छात्रों को नहीं मिली, प्लस जो शुल्क प्रतिपूर्ति कॉलेज को फीस के रूप में दी जाती है वो भी अभी तक छात्रों को नहीं मिली। इसलिए हम लोग आज पूर्ण रूप से धरने पर अनिश्चितकालीन बैठ चुके हैं। दूसरा विषय, चूँकि सरकार ने इस वर्ष क्या किया कि जितने भी छात्र हैं, चूँकि अभी तक जीरो बैलेंस पर चाहे वो जर्नल या OBC या SC ST जो 2 लाख रुपए सर्टिफिकेट आई सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग उन लोगों का जीरो बैलेंस पे एडमिशन हो जाता था, लेकिन इस वर्ष इन लोगों ने वो ख़त्म कर दिया। तो हम इन्हीं दो विषयों को लेकर, तीसरा विषय हमारा ये है देश में पूर्ण समान शिक्षा व पूर्ण निःशुल्क शिक्षा कानून लागू हो। और सहारनपुर में अखिल भारतीय जाट महासंघ की मासिक बैठक का आयोजन रविवार को हकीकत नगर स्थित कार्यालय पर किया गया, जिसको संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष चौधरी नीरपाल सिंह ने राजेश पाल को मंडल अध्यक्ष व चौधरी सुरेश पाल को जिला प्रेस प्रभारी बनाए जाने की घोषणा करते हुए उनको नियुक्ति पत्र सौंपे। आज हमने अपने संगठन का विस्तार करते हुए चौधरी राजेश पाल जी सामलपुर नवादा, इनको मंडल अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी है और चौधरी सुरेश पाल जी को जिला मीडिया प्रभारी बनाया है। संगठन का विस्तार करने के लिए, सशक्तशाली बनाने के लिए, सामाजिक लड़ाई लड़ने के लिए, संगठन को मजबूत बनाने के उद्देश्य से ये किया गया है। और बैठक से पूर्व हमारे वरिष्ठ साथी जिनका अभी पीछे 2-4 दिन पहले निधन हो गया, भाई सतपाल वर्मा जी हमारे बीच में नहीं रहे, समाज के लिए बहुत बड़ी क्षति है। तो हमने 2 मिनट का मौन धारण करके उनकी आत्मा की शांति के लिए हमने प्रार्थना की थी। सहारनपुर में रविवार को अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल के द्वारा शिव मंदिर प्रांगण में अखंड भारत संकल्प दिवस पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद मेरठ प्रांत के संगठन मंत्री प्रमोद कुमार ने अखंड भारत संकल्प दिवस की महत्वता पर विस्तार से प्रकाश डाला। आज 1947 14 अगस्त में देश का बंटवारा हुआ था, पाकिस्तान अलग गया, हिंदुस्तान अलग गया, और यह बंटवारा धर्म के आधार पर हुआ। वह इस्लाम को मानने वाले पाकिस्तान व हिंदू हिंदुस्तान में रहेंगे, लेकिन 70-72 वर्षों के बाद पुनः वही समस्या आज हमारे देश में खड़ी है। वह जनसंख्या बढ़ा करके इस देश को तोड़ने का कुचक्र चल रहा है,
इसलिए सरकार से मांग करते हैं कि अविलंब जनसंख्या नियंत्रण कानून आए और यह देश को जो तोड़ने की प्रक्रिया देश के अंदर चल रही है, यह जेहादी मानसिकता चल रही है, इसको कुचल करके एक अच्छा भारत बनाएं, अखंड भारत बनाएं। इस संकल्प के लिए यहाँ सभी राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ता एकत्रित आए हैं। यह कार्यक्रम पूरे देश भर के अंदर आज अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल के द्वारा मनाए जा रहे हैं। सहारनपुर में शनिवार की रात मुहर्रम की दूसरी तारीख को नगर के विभिन्न इमाम बारगाहों में मजलिस में मुस्लिम धार्मिक विद्वानों ने वारिद करबला व तौहीद पर विस्तार से रोशनी डाली। इस दौरान मजलिस शुरू होने से पहले छोटे इमाम बारगाह पर सरकार द्वारा कोरोना को लेकर जारी की गई गाइडलाइन का पूरा पालन किया गया। ये ले लो मास्क, फिर तो वहीं बैठ जाओ थोड़ी देर के लिए, 5 मिनट की बात है। सहारनपुर न्यूज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।